किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, ये मेरा ब्रश कटर है, ये मैंने स्प्रे मैन से लिया था और ये है B155, मेरी सबसे प्रिय मशीन और बहुत अच्छी है। इसे मैं पिछले 1.5 साल से प्रयोग कर रहा हूं और जो मेरा अमेजिंग किसान ग्रुप है मैंने उसमें भी बहुत से किसानों को बताया और बहुत किसानों ने इसको खरीदा। लेकिन शुरू शुरू में इसमें कुछ समस्याएं आती हैं या आपको कभी ना कभी उनका सामना करना पड़ेगा। आज मैं आपको वो समस्याएं बताता हूं और वो नया उसके लिए ध्यान रखना है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आई वो मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से रखेंगे तो ठीक कर सकेंगे। किसान साथियों, ये बैकपैक वाला है, इस पर लेकर आप इसे पीछे पीठ पर लगा लेते हैं और जो मेरा कार्यकर्ता है सबसे अधिक प्रिय मशीन है उसकी, बहुत अच्छी मशीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो मुझे सबसे पहली समस्या नजर आई। मुझे सबसे पहली समस्या नजर आई और ये मुझे नहीं पता ये कंपनी वाले ऐसा क्यों करते हैं, ये इसका वायर है। वैसे इसमें कई अटैचमेंट आते हैं लेकिन हम केवल इसी का प्रयोग करते हैं। ये वायर है, इसके साथ जितना वायर देते हैं वो लगभग एक सप्ताह में आपका खत्म हो जाएगा अगर आप काम करेंगे। अब उसके बाद आप काम क्या करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताते। अब आप अमेजन से कॉन्टेक्ट करेंगे या लोकल बाजार में जाएंगे। तो मैंने पहले बताया था कि आप इसमें चकोर वाला वायर इस्तेमाल प्रयोग करें, ये जो चकोर होता है स्क्वायर होता है, इसको जो सफेद वाला इसके साथ आता है बहुत थोड़ा वायर होता है। तो मेरी कंपनी वालों से ये सिफारिश है कि कम से कम कुछ वायर ऐसा अवश्य दें इसके साथ में, उसके लिए भले ही वो 50-100 रुपए जो भी है एक्स्ट्रा ले लें, कि उस वायर को वो कम से कम साल भर तक इस्तेमाल कर सके। ये वायर तो उसका एक हफ्ते में ही खत्म हो जाता है जो इसके साथ आता है। ये थी सबसे बड़ी समस्या। अब आइए दूसरी समस्याओं की बात करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे कार्यकर्ता ने कहा कि जी, मैंने कहा भाई इंजन मशीन क्यों बंद हो गई, तो इसमें देखा कि यहां से कुछ धुआं निकल रहा था इस पोर्शन से, ये वाला, ये जो ब्लैक पोर्शन है। मैंने कंपनी वालों को फोन किया तो उन्होंने कहा जी टेक्निकल टीम से बात कर लो। टेक्निकल टीम से मैं उनकी कभी भी संतुष्ट नहीं हूं। वेबसाइट पर देखने की कोशिश की, कहीं ऐसा नहीं था कि क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको हो सकता है इंजन गर्म हो गया हो और इसको आप थोड़ा सा विश्राम दे दें। तो उसने करीब 1 घंटे इसको ठीक रखा, उसके बाद चलाया फिर चल पड़ा है। उस दिन थोड़ा सा कार्य बचा था वो किया और जब अगले दिन फिर शुरू किया तो 15 मिनट बाद ही ये बंद हो गया। क्या बंद हो गया? इसका जो वायर घूमना है वो बिल्कुल बंद हो गया। इंजन चल रहा था, उसने मुझे बताया कि इंजन चल रहा है और ये बंद हो गया। मैंने इसके जो मालिक हैं उनसे फोन किया, उन्हें मैसेज भेजा कि मेरी मशीन ऐसे बंद हो गई। उन्होंने कहा टेक्निकल टीम से बात कर लो। मुझे टेक्निकल टीम से बात नहीं करनी थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है उनकी टेक्निकल टीम के बारे में। जब आप प्रोडक्ट उनसे खरीदते हैं बड़े मीठे बात करते हैं, लेकिन टेक्निकल टीम से जब सर्विस की बात आती है तो आपको ऐसा करते हैं कि जैसे हर चीज की गलती आपने की। तो मैंने क्या किया, उसको बुलाया और मेरा बेटा अब मेरे साथ काम करता है, तो उन्होंने क्या किया कि यहां से इसको खोला। ये देखिए यहां पर एक स्क्रू है, ये एलन की से खुलता है, जो इसकी एलन की आई हुई है। यहां से जब खोला तो इसमें एक फ्लेक्सिबल वायर है, ऐसे मुड़ा हुआ वायर है जो कि यहां से जुड़ा हुआ है और वो घूमता है। तो जब हमने देखा तो वो वायर टूट चुका था, हमें समस्या समझ आ गई, जब वायर ही टूट गया तो घुमाएगा कैसे। उसके बाद हमने फिर खोला तो ये एक दूसरा है यहाँ पर, एक और पेच है यहाँ पर, ये खोला और ये पोर्शन अलग हो गया, इसका जो अगले वाला पोर्शन अलग हुआ। यहाँ पर एक रोड है, हमने वो भी निकाली। अब किसान साथियों, जो हमने दुकान ढूंढी थी करण एंटरप्राइजेज जो अंबाला रोड पर है, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छी बात करता है, उसे काफी नॉलेज है मैंने देखा, और वो ये चीजें बेचता भी है। स्प्रे मैन की नहीं मिलेगी, दूसरे की मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके पास ये बताता हूँ, जो सहारनपुर के आसपास लोग हैं वो उससे एक बार
अगर समस्या है तो उसके पास जाकर देख सकते हैं। तो उसने हमें एक बहुत मजे की बात बताई, उसने बताया कि जी ये जो पोर्शन है आपको कम से कम अगर 25 घंटे आपने चला लिया है तो उसके बाद या 50 घंटे के बाद आप इसे खोलकर अवश्य देखें और इसमें ग्रीस करना पड़ता है। कहते ये वायर कभी नहीं टूटता, ये वायर इसलिए टूटा है कि आप काम ले रहे हैं लेकिन इसमें ग्रीसिंग नहीं की। मैं कहा हमने तो ग्रीसिंग नहीं की, 1.5 साल हो गया। कहते जी वो तो टूट नहीं था, लेकिन ये बात हमें कभी कंपनी वालों ने नहीं बताया। अब हम इसको, अगर मेरे से कोई भी चीज होती, जैसे मैंने उनसे पूछा था कि मेरा ये घूमना बंद हो गया क्या कारण हुआ, तो मैं एकदम बताता कि आपने क्या वायर में ग्रीस की है या आप इसको खोलकर देखे कहीं वायर तो नहीं टूट गई। अब इसको हमने खोला, ये दूसरी वायर आई, बहुत महंगी वायर नहीं है, ये मिल जाती है सब जगह, आपको कंपनी में कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। और ये रोड बिल्कुल ठीक थी, इसको भी ग्रीस किया, इसको भी ग्रीस किया, लगा दिया और ये फिर से काम करना शुरू कर। तो किसान साथियों, ये जो ब्रश कटर है मेरा सबसे प्रिय चीज है। और आप मेरे बाग को देखिए, इतनी बरसात होने के बाद भी चारों तरफ देखिए कि किस प्रकार ये जो है ना कितना साफ है, ये सब ब्रश कटर का कमाल है। और मुझे इसका सबसे बड़ा फायदा है लगा, जो भी घास कटती है वो वहीं पर रहती है, उससे एक प्रकार से खेत में मल्चिंग हो जाती है, जिसे मैं वर्ष में 2-3 महीने बुहाई करता हूँ गर्मियों में, जिससे कि सब कीटाणु खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मैं कभी नहीं करता। सबसे अधिक प्रयोग मेरा इस ब्रश कटर में होता है। तो इसमें दो चीजों का ध्यान रखिए, एक तो ये वायर जो स्क्वायर वायर है वो लीजिए, इसकी बहुत उम्र होती है और चलती है। मेरे एक मित्र हैं भूमा चोयाल जी, जो कि सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने भी ब्रश कटर मंगाया, उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने एक मिस्त्री से ठीक करार, कह रहे कि मेरा सारा घास कट गया। घास को बहुत बड़ा ना होने दें, लगभग ये आप 1.25 फुट के करीब तक घास हो जाए तो बहुत अच्छा काटता चला जाता है। और इस चीज का ध्यान रखें कि 20-25 घंटे बाद कुछ नहीं करना, इसके साथ एलन की आती है, उससे ये पेंच खोलिए यहां से, और एक ये नट, इसका जो ये नट है ये खोलिए यहां से, ये वायर बाहर आ जाएगा। बहुत आसान है, एक ये नट है, एक ये है, ये तीन नट खोलने के बाद में सब चीज आपके हाथ में आ जाएगी। ये वाली फ्लेक्सिबल वायर आएगी, इसमें अच्छा ग्रीसिंग कर दीजिए और दोबारा से लगाकर फिर नट लगा दीजिए, और ये एक रोड निकलेगी, इसको भी आप इसमें अच्छा ग्रीसिंग कर दीजिए और इसको फिर लगा दीजिए। जिनके पास भी ब्रश कटर है वो एक अच्छा ग्रीस का डब्बा 0.5 किलो का लाकर अपने पास रख लें। और जब इसमें लगाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहां पे एक छेद होता है, उसके आने के बाद ही नट को आपको लगाना है इसको। ये बिल्कुल सही है, एक नट, दो नट और ये तीन खोलने के बाद ये आपके हाथ में आ जाएगी रोड, और इस रोड में आप ग्रीस लगाइए और आपका कर। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे पसंद आई वो आई है ये मेरा ब्रश कटर। किसान साथियों, ये जो मैंने बताया है ये सब मेरे अनुभव के आधार पर है, मैंने वो चीजें बताई हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, कोई भी ये मशीन लेने से पहले अपने आसपास के शहर में ये पता कर लीजिए क्या यहाँ पर इसका ठीक करने वाला है। आप ऑनलाइन सर्विस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, समय बहुत लगेगा। जब भी मैंने एक दो बार पार्ट्स मंगाए हैं कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है, कुरियर से डिलीवर होते हैं 10 दिन का समय लगता है, आप नहीं रुक सकते। आप अपने आसपास देखिए, दुकान अवश्य मिलेगी। जो सहारनपुर के आसपास के रहने वाले उन्हें मैंने बता दिया कि रेलवे रोड पर करण एंटरप्राइजेज मिलाप मशीन रिस्टोर के पास में एक रोड जाती है, उस पर मिलेगा, बहुत अच्छा लड़का है और वो ऐसी बातें बताता है कि आपकी मशीन खराब न हो, अच्छी चल रही है। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इससे आपको लाभ हुआ, कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।